बच्चे ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, आज मैं इसी के कमेंट का दूंगी आंसर। इस बच्चे का प्रश्न था किसी भी ईश्वर की प्राप्ति कैसे करी जाए। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी माँ काली की सेवा कैसे उठाई जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी और भी देवी देवता की सेवा कैसे उठाई जाती है, जैसे कि हनुमान जी, शिव जी, माँ काल का, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया जाए। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ माँ काली के सेवा के नियम, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले तीन नियम। पहला नियम, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। दूसरा नियम, ब्रह्मचार्य का पालन। तीसरा नियम, आप नियम से ज्योतबत्ती माँ की जरूर करें। अभी मैं आपको बताऊंगी ब्रह्मचार्य की सरल भाषा क्या होती है। ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है, अगर आप पति पत्नी हैं तो आप जो है उस नियम का पालन करेंगे। आप एक साथ, आपको नहीं सोना होता, ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना होगा। कई व्यक्तियों को ये भी नहीं मालूम होता कि माँ की ज्योतबत्ती नियम से कैसे करी जाती है। नियम से ज्योत करने का मतलब ये होता है कि आपने एक नियम ले लेना है, एक अनुष्ठान उठा लेना है कि आपने इस समय ज्योत करनी ही करनी है माँ की। अगर आप माँ की अखंड ज्योत कर रहे हैं तो अखंड ज्योत के भी एक नियम होते हैं। अगर आप सुबह शाम की ज्योत कर रहे हैं उसके भी एक नियम होते हैं। और अगर आपको इन दोनों का अलग अलग मतलब जानना है और अखंड ज्योत का मतलब जानना है, तो इसको मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसमें भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ज्योत के नियम कैसे होते हैं, जो कि हम सुबह शाम ज्योत के नियम करते हैं। आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करना है कि माँ की ज्योतबत्ती जरूर करनी है। अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं तो माँ काली की जो सेवा होती है, सबसे पहले उसका नियम ये होता है कि उसकी माँ की ज्योत जो है सरसों के तेल की जलती है। और माँ वैष्णो की है, माँ वैष्णो की ज्योत जो है आपकी जलती है देसी घी की, और साथ में ही भैरव बाबा की जलती है जोड़े से, वो भी जलती है सरसों के तेल में। और अगर आप भक्ति लाइन में बिल्कुल नए हैं तो आपको सुबह शाम की ज्योत करनी है माँ की, माँ काली की। और सबसे सरल तरीका है ये ज्योत का, सुबह शाम की ज्योत करने का। सबसे पहले माँ को पाने के लिए आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि आपको सूर्य उदय से पहले ही, सूर्य उगने से पहले आपको उठ जाना है। 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंतराल में आपको माँ की ज्योत कर लेनी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा भोग माँ को दें। माँ के इस प्रसन्न करने वाले भोग को आप जानने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। सबसे प्रिय भोग जो है माँ को, पान पेड़ा। इस भोग को आपको कब कब देना है? आपको जो भोग देना है शनिवार और मंगलवार, 2 दिन। आप पान भी कौन सा लेंगे, इसमें भी बहुत दुविधा होती है। आपने जो दुकान पे चले जाना है और मीठा पान बोलना है, जो माँ को भोग लगता है मीठा पान। आपको ये जो सेवा है कितने दिन की और कब उठानी है? आपको ये सेवा जो है आप 41 दिन की उठाएं। 41 दिन की सेवा और शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का जो पहला शनिवार है वहां से स्टार्ट करें। इसमें अगर आपको मंत्र जाप नहीं करना है, तो मंत्र जाप नहीं करना तो आपको करना क्या है, आप क्या करें? सरल विधि से आपको सुबह शाम जो है, जो बच्चे नए पूजा में हैं, आपने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा आपको नियम अनुसार करनी है। आप सुबह 2 करें 5 करें 7 करें, लेकिन पहले दिन आप उसका आप एक अनुष्ठान ले लें कि मैंने इतने, माँ मैं इतने दिन की आपकी सेवा उठा रहा हूँ, इतने मैं पाठ आपके करूँगा। इससे भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की आप प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप डेली नियम से 41 दिन माँ की सेवा ऐसे ही नियम अनुसार करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, तो आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकते हैं। जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।